किरोर वेंकट नायकर रामासामी, जिन्हें पेरियार के नाम से अधिक जाना जाता है, 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय राजनेता थे। तमिल राष्ट्रभक्त से लेकर नास्तिकों, तर्कवादियों और नारीवाद की ओर झुकाव वाले भी उनका सम्मान करते हैं। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी का न केवल सांस्कृतिक बल्कि तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर भी असर इतना गहरा है कि चाहे कम्युनिस्ट हों या दलित आंदोलन से जुड़े लोग, सब उनसे प्रभावित रहे हैं। समाज के शोषितोत्पीड़ित लोगों की स्थिति सुधारने और तर्कशील सांस्कृतिक आंदोलन में इनका नाम शीर्षस्थ है। पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था, ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। इस तरह के कड़े शब्दों में ईश्वर पर सवाल उठाने के कारण पेरियार को रूढ़िवादी भारतीय समाज ने लगातार नकारने की कोशिश की है। हालांकि आज जबकि भारत में नास्तिकता व तर्कशील आंदोलन सोशल मीडिया के कारण लगातार फैलता जा रहा है और नास्तिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी संख्या में उनकी उक्तियों, सिद्धांतों, सवालों आदि को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। पेरियार द्वारा ईश्वर को पूछे गए वो सवाल जो हर तर्कशील को जानना चाहिए, आइए देखते हैं पेरियार ने ईश्वर से क्या क्या सवाल पूछे थे। क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतराकतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं?